ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे, काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। नीतीश कुमार इस समय भाजपा से नाराज चल रहे हैं और नाराज सबसे अधिक अश्विनी चौबे के बयान से हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका है, इसीलिए वो जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी एनडीए गठबंधन से दो शर्तें रख दी है। पहली शर्त यह है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए, जो कि भाजपा नहीं चाहती है। और दूसरी शर्त के तर्ज पर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर दी है। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार छोड़ देंगे तो वो पकड़ेंगे क्या? केंद्र में उनको क्या लेना है? और वो केंद्र में अगर आप उनको प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, उसके बावजूद भी वो बिहार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका मतलब है कि बिहार छोड़ा तो वो बाहर हो जाएंगे बिहार से, और केंद्र का पता नहीं है। भले ही वो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसकी गारंटी थोड़ी है कि वो 5 साल रहेंगे। इंडिया गठबंधन भी टूट हो सकती है कल को, तो इसलिए हो सकता है कि इंडिया गठबंधन 1 साल 6 महीने 2 साल रह जाए पीएम, लेकिन वो बिहार किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और बिहार में नीतीश कुमार को इग्नोर करके कोई भी राजनीतिक दल वहां राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम शाम दाम दंड भेद सब उठक पुटक करके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी कई जगह कामयाब हो गई, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो महाराष्ट्र में 3 बार कीचड़ फैलाने का उनका आपने सारा तमाशा देखा है, लेकिन वो बिहार में कुछ नहीं कर पाए बिना नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ेंगे बिहार को। तो इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को बिहार नीतीश कुमार दे देंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी आपको बहुत तमाशा बिहार में देखने को मिलेगा आने वाले समय। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर अश्विनी चौबे ने जवाब दिया कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी तय करेगी, यानी इनडायरेक्ट रूप से नीतीश कुमार को साइड किया जा रहा है। भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा, अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। हाल ही में जेडीयू की कार्यकारिणी के बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन जिस मामले को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है एनडीए अर्थात बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर, कि बीजेपी के साथ रहना उचित होगा या बीजेपी से साइड होकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना उचित होगा। दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार ही गठबंधन के सारे मुद्दों पर फैसला करेंगे, अपना फैसला वो स्वयं करेंगे और बिहार की राजनीति के लिए बिहार विधानसभा के संबंध में भी अपनी पार्टी का फैसला स्वयं करेंगे। अब नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हो, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और एनडीए की हालत बेहद खराब है, इसलिए वो लोकसभा को भंग करने की तैयारी कर रहे हैं और कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा को चुनाव हो जाए और बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए, बिहार विधानसभा को भंग करके चुनाव करवाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार ये भी चाहते थे कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के चलते ही नरेंद्र मोदी इसके लिए मना कर दिए थे और नीतीश कुमार मान गए थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और एनडीए का कद छोटा हो गया है, जिसके चलते नीतीश कुमार अब बिहार विधानसभा को भंग करवाकर जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा का चुनाव करवा सकते हैं। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया के साथ बने रहेंगे या इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी के साथ छोड़ देंगे और बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो जाएंगे, जिससे बीजेपी गठबंधन इंडिया गठबंधन भरभरा कर गिर जाएगी और सरकार गिर सकती है। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र के दावे के बाद से सियासी हलचल और अधिक बढ़ चुकी है और राजनीतिक गलियारों में लोग नीतीश कुमार की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। भाजपा सरकार ने न केवल नीतीश कुमार बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी साइड करने के चक्कर में पड़ गई है। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें ये लिखा गया है कि विगत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एवं नीट की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थी को प्रायः नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता है। इस प्रकार का ऐतिहासिक पत्र पीछे से केंद्र की किसी शक्ति के फल स्वरूप ही जारी किया गया होगा। तो इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक साइड से नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे साइड से योगी आदित्यनाथ को भी साइड करने की कोशिश की जा रही है।
इसलिए संभव है कि नीतीश कुमार इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं। वो इस बात को जल्द से जल्द समझ जाएंगे और जल्द से ही एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो सकते हैं।